हुजूरे ताजु शरिया के बचपन के कुछ वाकयात हुजूर बयान फरमाएं। देखिए हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह अलैह रिजवान की ज़ाते गिरामी से मुतालिक जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, आपका बचपन ये बड़ा ही पाकीज़ा माहौल में गुज़रा और आदतों अतवार जो बच्चों की होती हैं उनसे आप बहुत हद तक मुमताज़ थे। जैसे बच्चों का खेलना कूदना, गाली गलौज करना, किसी मामले में शरारत करना, हालांकि आपकी तालीम दर्जे 8 तक, 8वीं क्लास तक जो है स्कूल की है। स्कूली बच्चे जो हैं यूपी में बड़े बदमाश कहलाते हैं कि जो बदमाश काम नहीं करते वो स्कूली बच्चे कर लेते हैं। लेकिन आप से मुतालिक जो है वो ज़माना भी जो शरारत का ज़माना होता है, उस ज़माने में बच्चे शरारत करते हैं तब भी लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं कि ये बच्चा है। लेकिन उस ज़माने में भी आप की ज़िंदगी बड़ी मोहतात गुजरी और बचपन बड़ा ही साफ सुथरा गुजरा। किसी को कोई कभी आपसे कोई शिकायत नहीं हुई और स्कूल की तालीम के ज़माने में भी दीनी तालीम से आपका मुसलसल शगफ रहा। और बुज़ुर्गों ने बयान किया कि आप इब्तदा से ही दीनी किताबों के मुताले के शायक रहे और ज़्यादातर वक्त जो है वो यानी दरसियात के अलावा जो और मजामीन हैं इस्लामी दीनी मजहबी शरई उनके मुताले में आपका वक्त ज़्यादा गुजरता था या फिर अपने नाना जान की सोहबत में आपका बड़ा वक्त गुजरता, यानी सैयदी आकाई मुर्शिदी सरकार मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उन्हीं का फैज़ान वाकई अखीर उम्र तक ऐसा रहा कि आपको देखकर मुफ्ती आज़म हिंद की याद आती थी।